विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा के देहन में किया पौधरोपण। जल जीवन मिशन के तहत 75 करोड़ रुपए की योजनाएं की शुरू। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक राजीव बिंदल ने नाहन में किए करोड़ों रुपए के विकासात्मक कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास। बजट के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का जताया आभार। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की ऊना भाजपा मंडल की बैठक। मिशन रिपीट के दिए कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। ऊना जिले के बसाल में 44 करोड़ रुपए की लागत से खुलेगा हाईटेक डेयरी फार्म। रोबोट निकालेंगे गायों का दूध। पशुओं को घास डालने से लेकर गोबर हटाने तक का संभालेंगे काम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को प्रदेश के 7500 गांवों में फहराएगी तिरंगा। सावन माह के शुरू होते ही उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ देवसिद्ध मंदिर को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने शनिवार और रविवार को 24 घंटे खुले रखने का लिया निर्णय। प्रदेश में धान उत्पादन के लिए मशहूर पौंटा साहिब में इस बार FCI स्थानीय स्तर पर ही उत्पादकों से करेगी धान की खरीद। किसानों को नहीं करना पड़ेगा बाहरी राज्यों का रुख। चंबा जिला में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि। प्रशासन ने कल 19 जुलाई से चंबा के चौगान में 18 वर्ष की आयु से कम बच्चों का प्रवेश किया वर्जित। वहीं दुकानों में भीड़ एकत्रित होने पर किया जाएगा चालान। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मॉनसून वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्यम ऊंचाई वाले व मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की दी चेतावनी।